हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब बढ़िया होगे। तो स्वागत थारा मेरे एक छोटे से व्लॉग में। तो भी मेरे तो रोल थी कई दिन की मड़ाई इकट्ठी, जो कि मैंने भाई टिंडे की तो बनाया नहीं, देसी ये बना दिया था। जो मतलब के बोलिया करो ना, ताया उड़गी बोलिया करो मेरी लैंग्वेज में। तो बनाया था पहले यार, रख दी थी सही तरिया, मतलब कुछ देर उबलने के बाद फिर अपना इस तरिया छोड़ दिया करे घी। हाँ, देसी घी स्तरिया रह जावे इसमें। जो बाकी फ्रेश मलाई थी या ये नहीं थी, कई दिन की थी और वो भी फ्रीज में रख रखी थी। कोई स्मेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो बाद में भाई एक आधा वर्ड हो जाए थोड़ा, जो बाद में थोड़ा बहुत कुछ बचा है ना इसमें, तो ये वाइट वाइट हा, इसकी भी बहुत बढ़िया मिठाई बन जावे है। वो भी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी। घी था जो अपना छान लिया था उसमें, मतलब जिसमें मैं डाल लिया करूँ उसमें छलने के लिया। बाकी जो ये बच गया था ये अपना यूज कर लिया था, प्योर घी हो गया था कती। पर बात यह है भाई, चीज वेस्ट हम भी नहीं जान देंगे। कुछ खाने का मन था मका के बनाओ भाई, सार्थक हलवा बनवा होगा मका के बनाना है। तो सार्थक बोला मम्मी चून का बना दे इसमें। मका भाई चून का तो मैंने कदे ट्राई आकर, पर मका चून के लड्डू जरूर बन जाएंगे इसमें, एक नंबर के बढ़िया। चोखा चिकन अपन रह जाए फिर भी, इसका यू निकाल भी लिया था फिर भी रह गया था इसमें। तो फिर ये बाद में मन थोड़ा भून ही दिया था, वो तो निकाल दिया था। इसमें थोड़ी ही सूजी नहीं थी भाई, चून भूनना था। चून का बनाने का वो था ना इसका हलवा कह रहा था, फिर मखा हलवा तो भाई बना दिन, मखा थोड़ा और कुछ बना के देखूं। बना तो दी ही, फिर यो राजी होगा खांदा कौन है इसका, यो खाड़ा रवे है। चून है वो जो थोड़ा भून गया हमारा, इतना इसमें और घी हा निकलिया था। मखा भी घी नहीं छोड़ती फिर गणा ना, चिकन अपन हाया जाए ना, कोई लड्डू लुड्डू बनाओ तो बढ़िया ही ना लगते, चोखा रह जावे इसमें। अच्छी एक कटोरी सारी मलाई थी बड़ी है, छोटा है वो। लोग भी वो लोग बनाने का नू जी नहीं करता, क्यों कोई देखता नहीं और नहीं ना कोई शेयर करता। और एडिटिंग भी मैं चाय पीते हुए कर रही हूँ। चून है जो भून गया लगभग। चून भून के देखो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया था, सही तरिया भून के इसमें फिर यो जो बच रहा था यो मिला दिया था। चून भी मैंने ज्यादा नहीं भूनना था, 2 चमची होंगी मतलब सही सी, एक कटोरी से भी कम था चून तो। इसमें अच्छी तरह मिला दे और फिर इसमें इतनी एक खांड मिला दी जितना चून था लगभग उतनी ही। तो एक प्रकार का बढ़िया कसार सा बन गया था, बहुत बढ़िया। पहले तो ना जो पहले टाइम पर खाया कर दे सूखा भून कर भी, उसमें मीठा मिलाकर मुँह गेल उड़ाया कर दे इस टाइप का खाया कर दे, तो उससे तो घना बढ़िया बनाया था यो। चाहूँ तो मैं इसके लाड्डू भी मतलब बोझ सकूँ थी, फिर मैंने बनाए नहीं लाड्डू, लाडवा की सेव दे सकूं थी तो वो दी नहीं सीधा। वैसे मखा थोड़ा सा तो है भाई, सार्थक खाना तो खा लिए इसमें इतनी है, फिर मैंने खांड मिला दी थी। तो एकदम तो 2 काम हो गए भाई, मिठाई भी बन गई जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो, और अपना वो भी हो गया, घी भी निकल गया। और वीडियो की स्पीड कम है तो इस वजह से हाथ देखो कति स्लो चल रही मेरे, बहुत कम हाथ चल रहा काम में। तो भी बच्चे खेल रहे थे और सार्थक खान लग रहा था, छोटे थे भी कही थी खाने की लेकिन यो मना कर दिया, इसने जो चीज खानी हो तो उसका ही यहाँ पर आगा, जो इसने पसंद ना उसने नाट जाया होगा मना नहीं खाना। तो मुझे भी सार्थक किसा लग गया यो, तो सार्थक कहता मम्मी सही लग गई हो तो। मैं कहा भाई ठीक है तू खा लिया कर, पर खाने का इसका के है, 1 चम्मच खावे खावे ना भी खावे।
इसका ये काम है। छोटा बोले बोले ना, मैं तो दूध पी के आया हूं, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो सार्थक की मस्ती शुरू हो जाए है। हेलो जी, हम खेत में रहे हैं। मैं पापा बस तुम कट्टन लाग रहा हूँ। पापा वीडियो में गाना शर्मावा है। यो मारा खेत सा इतनी बस तुम काट लियो ना। पापा वीडियो में तो घना शर्मावे है। पापा घना शर्मावे, घना शर्मावे वीडियो में। ठीक है, अरे मेरी कलाकारी देखो, बैक कैमरा कर। यो हमारा मंदिर सा, बस बस है।